हम बात कर रहे हैं IRFC की। आज के दिन की बात करें तो IRFC में फ़िलहाल छोटी मोटी गिरावट के साथ इस वक्त स्टॉक जो है 152.50 पैसे पर हमको ट्रेड करता नज़र आ रहा है। लगातार गिरावट में स्टॉक हम देख सकते हैं, स्टॉक में जंप आ रहा है लेकिन जंप पर रिजेक्शन फेस कर रहा है और रिसेंट लो को ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। अपने मेजर सपोर्ट 150 के लेवल से स्टॉक ने एक जंप दिखाया था, अगेन रिजेक्शन फेस कर गया 164 के लेवल पर और वहाँ से रिजेक्शन के साथ अपने लो को ब्रेक डाउन करता नज़र आया। एंड फिर इस लो को ब्रेक डाउन करने के बाद 140 तक की गिरावट स्टॉक ने दिखाई, जो कि इसका तगड़ा सपोर्ट है। अगर चार्ट पैटर्न पर देखो तो इससे पहले 140 के लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई थी। हम देख सकते हैं यहाँ से 140 के लेवल से एक जंप आया था, ऑलमोस्ट 194 तक का जंप स्टॉक ने दिखाया था। इसका मेजर सपोर्ट है 140 का लेवल, तो इस बार उसी सपोर्ट से सपोर्ट लेता हमको नज़र आ रहा है 140 के लेवल से। लेकिन यहाँ अभी ट्रेंड है निगेटिव, स्टॉक है गिरावट में, तो ऐसे में थोड़ा सा इंतज़ार करके चलना ठीक रहता है क्योंकि और भी गिरावट का ख़तरा हो सकता है और भी गिरावट दिखा जाए, इसीलिए अब नज़र रखना है नीचे की ओर, जो अब इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। जहां पहले सपोर्ट लिया था 150 का लेवल, ब्रेकआउट कर चुका है बाउंस बैक के साथ, तो अब सपोर्ट का काम करेगा और सबसे आखिरी सपोर्ट 140 का लेवल रहेगा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो 120 तक से लेके 100 तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन अब यहाँ से हाईली चांस बनेंगे बाउंस बैक के रिकवरी के, क्योंकि हम देख सकते हैं एक जंप देखने के लिए मिला, उसके बाद उतनी बड़ी सेलिंग नहीं आई उस जंप के बाद। इससे पहले क्या होता था, जंप आता था और जंप के बाद सेलिंग आती थी स्टॉक में और अपने लो को ब्रेक डाउन करता था। जंप पर सेलिंग और लो ब्रेक डाउन देख सकते हैं हम, तो उतनी बड़ी सेलिंग अभी तक दिखा नहीं रहा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है बाउंस बैक के साथ। ये जो इसका हाई है 164 का लेवल, जहाँ से पहले रिजेक्शन लेकर अपने 150 के लेवल को ब्रेक डाउन किया था, कौन सा लेवल, 164 का लेवल, यहाँ तक का जंप स्टॉक हमको दिखा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है 164 के लेवल का ब्रेकआउट। अगर IRFC बाउंस बैक के साथ 164 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर उसके बाद लगातार अपसाइड, फिर बड़ी बाइंग, बड़ा जंप भी हमको IRFC में देखने के लिए मिल सकता है। तो इस बाउंस बैक के साथ 164 तक का जंप दिखा सकता है और 164 के ब्रेकआउट मतलब फिर बड़ी उड़ान का सिग्नल IRFC में रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।